हेलो स्टूडेंट्स आई होप यू ऑल आर एनर्जेटिक एंड वेरी मच फाइन टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट इन दिस वीडियो ए न्यू चैप्टर ऑफ सीए इंटर फाइनेंशियल मैनेजमेंट द नेम ऑफ द चैप्टर इज वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू राइट एग्जाम में वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के एस्टिमेशन के सवाल हमेशा आते रहते हैं उसी को हमें समझना है इस पर्टिकुलर चैप्टर में सो so, चलिए बहुत ही पॉजिटिव नोट के साथ एंथुजियाजम के साथ चेहरे पे एक अच्छी सी मुस्कान के साथ शुरुआत करते हैं चैप्टर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट देखिए वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में सबसे पहले मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि ये वर्किंग कैपिटल वर्ड का मीनिंग क्या होता है सो द वर्किंग कैपिटल इज सिंपली स्पीकिंग वर्किंग कैपिटल इज नथिंग बट करंट एसेट्स ऑफ द बिजनेस माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल इज करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, राइट अब पहले हम थोड़ा ये भी समझ ले या तो एक बार रिवाइज कर ले कि हम करंट एसेट्स किसको कहते हैं एंड करंट लायबिलिटीज किसको कहते हैं वैसे अकाउंट्स में आपने करंट एसेट और करंट लायबिलिटी के बारे में पढ़ा है आई आई नो कि आपको उसकी डेफिनेशन भी मालूम है लेकिन एक बार वापस समझने की कोशिश करते हैं कि करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज हम किसको कहते हैं देखिए वर्किंग कैपिटल के दो कॉम्पोनेंट है जैसे कि हमने अभी सीखा एक है करंट एसेट और दूसरा है करंट लायाबिलिटी करंट एसेट क्या होता है So, current asset is such an asset of the business which is expected to realize. एंड सोल्ड विद इन नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल ये जो एसेट है या तो वो सेल हो जाएगी या तो इसका पैसा हमें मिल जाएगा और ये सब होगा नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में ही या तो फिर जिस डेट से ये एसेट बनी है जिस डेट से ये एसेट हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड हुई है उस डेट से ट्वेल्व मंथ्स के अंदर अंदर करंट एसेट का पैसा हमें मिल जाता है तो इसी एसेट को हम कहेंगे करंट एसेट सेकेंड जो पॉइंट पॉइंट है ये जो एसेट आपने हेल्ड करके रखी होती है बैलेंस शीट में इससे आपने हेल्ड किया होता है फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेडिंग करने के लिए मतलब ये जो करंट एसेट है वो ट्रेडिंग के पर्पस से आपने एसेट बनाई होती है लाइक like इसका एक सिंपल सा एग्जांपल इन्वेंटरी हो सकता है देयर कैन बी मोर एग्जांपल्स लाइक इन्वेंटरी रिसीवेबल्स रिसीवेबल्स का मतलब हो गया एक तरीके से आपके डेटर्स इन्वेंटरी है रिसीवेबल है कैश बैलेंस है कैश इक्विवेलेंट है यानी कि इसमें आपके शॉर्ट टर्म या तो लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स हो गए ये सब चीज़ें आपने बैलेंस शीट में क्यों होल्ड करके रखी होती है क्योंकि आप इसका या तो ट्रेडिंग करना चाहते हो या तो इसको शॉर्ट टर्म में कैश में कन्वर्ट करना चाहते हो तो ये डेफिनेशन हो गई बच्चों करंट एसेट की करंट लायबिलिटी के कुछ पॉइंट को समझे तो करंट लायबिलिटी ऐसी लायबिलिटी होती है जो सेटल होने वाली है नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकल ऑफ द बिजनेस में या तो मैक्सिमम विद इन ट्वेल्व मंथ्स इस लायबिलिटी को सेटल कर दिया जाएगा यानी ये ऐसी लायबिलिटी है जो 12 मंथ्स के अंदर तो आपको पे कर ही देनी पड़ेगी दूसरा अगर करंट लायबिलिटी का पॉइंट देखें तो करंट लायबिलिटी है वो सेटल की जाती है या तो करंट एसेट के थ्रू यानी कि मान लो आपके पास कैश था उस कैश से आपने अपने क्रेडिटर को पेमेंट कर दिया तो आपने जो करंट लायबिलिटी को सेटल किया वो अपनी करंट एसेट्स के थ्रू सेटल किया और बाय क्रिएशन ऑफ न्यू करंट लायबिलिटी देखिए करंट लायबिलिटी ज्यादातर लॉन्ग टर्म फंड से नहीं चुकाई जाती या तो ये करंट एसेट का यूज करके चुकाई जाती है कैश हो गया या तो डेटर के पास का आपको प, आपको पैसा मिला और आपने वही पैसा अपने क्रेडिटर को चुका दिया इस तरीके से इसका सेटलमेंट होता है या तो फिर करंट लायबिलिटी को सेटल करने के लिए दूसरी करंट लायबिलिटी ही पैदा करनी पड़ती है आपको आपके क्रेडिटर को पेमेंट करना था पैसा नहीं था आपने बैंक में से ओवरड्राफ्ट ले लिया और उसी बैंक ओवरड्राफ्ट के पैसों से आपने अपने क्रेडिटर को पेमेंट कर दिया तो देखिए एक करंट लाइबिलिटी चुकाने के लिए यानी आपने अपने क्रेडिटर को चुकाने के लिए दूसरी करंट लायबिलिटी बैंक से ले ली जिसे हमने नाम दिया बैंक ओवरड्राफ्ट का। द थर्ड इज इसके एग्जाम्पल्स देखें तो पेएबल्स पेएबल्स का मतलब क्या हो गया बैलेंस शीट में जो हमारे क्रेडिटर्स होते हैं उसे हम पेएबल्स कहते हैं सो क्रेडिटर्स है आउटस्टैंडिंग so एक्सपेंसेस है फिर काफ़ी सारी तरह की जो हम प्रोविजंस करते हैं जैसे यू नो प्रोविजन फॉर टैक्स प्रोविजन फॉर बेड डेट ये सब चीज़ें जो है बच्चों करंट लायाबिलिटी की डेफिनेशन में आती है जो मोस्ट आई पॉइंट है सी बच्चों मैं आपको थियोरी का एक बहुत ही अच्छा सा बर्ड आई व्यू देना चाहता हूं और थियरी को लंबे पैराग्राफ्स में समझाने की बजाय मैं आपको कलरफुल तरीके से एक डायग्राम या चार्ट बना के समझाना चाहता हूं क्योंकि मुझे लगता है ये एक सही तरीका होगा थियरी को आपके सामने रखने का राइट सो मेन मेन जो पॉइंट है डेफिनेशन के वो ये फर्स्ट पॉइंट है कोई भी एसेट एंड लायबिलिटी अगर नॉर्मल ट्रेड साइकिल से बनी हुई एसेट या तो लायबिलिटी है वो नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में ही लायबिलिटी को चुका देने वाले हो या एसेट का पैसा आ जाने वाला है या टाइम पीरियड में वन ईयर इज मैक्सिमम कोई भी एसेट अगर वन ईयर में वापस नहीं आने वाली तो वो करंट एसेट नहीं हो सकती वो लॉन्ग टर्म एसेट हो जाती है कोई भी लायबिलिटी अगर वन ईयर के अंदर अंदर आप चुका देने नहीं वाले तो वो भी आपके लिए एक लॉन्ग टर्म लायबिलिटी हो जाती है सो ध्यान रखना एसेट या लायबिलिटी दोनों एसेट या लायबिलिटी दोनों ट्वेल्व मंथ के अंदर सेटल हो जानी चाहिए वो कंपल्सरी है ट्वेल्व मंथ के अंदर सेटल हो जानी चाहिए वो कंपलसरी है राइट right? आगे बढ़ते हैं करंट एसेट इन करंट लाइबिलिटी की डेफिनेशन अच्छी तरह समझने के बाद दूसरा जो पॉइंट में आपको करवाना चाहता हूं वो है क्लासिफिकेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल अगर हम पहले थोड़ी थियरी और कंसेप्ट को अच्छे तरीके से समझ लेंगे बच्चों तो जब हम सम्स की शुरुआत करेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो समझने में आपको थोड़ी और आसानी होगी तो चलिए क्लासिफिकेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल में सबसे पहला पॉइंट देखते हैं कि वर्किंग कैपिटल के दो तरह के क्लासिफिकेशन होते हैं एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ द वर्किंग कैपिटल एंड दूसरा क्लासिफिकेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम देखिए पहला जो क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू उसमें दो तरह के क्लासिफिकेशन होते हैं या तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल कहते हैं या तो हम उसे नेट वर्किंग कैपिटल कहते हैं अब ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का सीधा सा मतलब अच्छा इवन ऑन द बेस ऑफ टाइम में में भी दो तरह की वर्किंग कैपिटल है परमानेंट कैपिटल एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अब अगर मैं बात करूं ग्रॉस वर्किंग कैपिटल की तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है टोटल ऑफ करंट एसेट्स आपने टोटल करंट एसेट में जितना इन्वेस्टमेंट किया है वो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल के इन्वेस्टमेंट में आएगा और आप समझ ही गए होंगे कि नेट वर्किंग कैपिटल जो होगी वो हम ऐसे लिखते हैं वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस एक चीज का ध्यान रखें, अगर कुछ भी नहीं बोला वर्किंग कैपिटल के बारे में यानी कि ग्रॉस वर्किंग कैपिटल आपको लेनी है या वर्किंग कैपिटल आपको लेनी है इसमें से कुछ भी नहीं बोला तो आपको कंपलसरी ऐसा मानना पड़ेगा दुक और दिन आस्किंग अबाउट द नेटवर्किंग कैपिटल कंपलसरी आपको ऐसा मानना पड़ेगा ऑन द बेज ऑफ टाइम में देखे तो परमानेंट वर्किंग कैपिटल का मीनिंग यह होता है इट इज सच अ मिनिमम लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट ये करंट एसेट में होने वाला एक मिनिमम लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट है जो आपको हमेशा करना ही पड़ेगा जैसे एग्जांपल अगर मैं आपको दू तो रेंट की डिपॉजिट आपको देनी है ये हमेशा आपको दे के रखनी पड़ती है फिर आपको किसी यू नो किसी सप्लायर से गुड्स खरीदना है उसकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप आपको लेनी है तो उसके लिए भी आपको सप्लायर को या डिस्ट्रीब्यूटर को कुछ डिपॉजिट देनी पड़ती है तो ये भी सब परमानेंट वर्किंग कैपिटल का हिस्सा है कुछ पैसा हमेशा आपको टाइमली सैलरी के लिए टाइमली बिल पेमेंट के लिए टाइमली टैक्स पेमेंट के लिए भी रखना पड़ता है तो ये सब जो मिनिमम लेवल ऑफ वर्किंग कैपिटल है कि जिसके बिना आपका बिजनेस चल ही नहीं सकता जिसके बिना आपका बिजनेस चल ही नहीं सकता तो ऐसी वर्किंग कैपिटल को हम परमानेंट वर्किंग कैपिटल कहेंगे अब ध्यान रखना ये परमानेंट वर्किंग कैपिटल चेंज नहीं होती है परमानेंट वर्किंग कैपिटल डजेंट चेंज अनलेस ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस आर स्केल्ड अप और स्केल्ड डाउन परमानेंटली अचानक आपके बिजनेस के ऑपरेशन बहुत ज्यादा स्केल अप हो गए बढ़ गए तो आपकी परमानेंट वर्किंग कैपिटल बढ़ सकती है लेकिन अचानक आपके बिजनेस के ऑपरेशन एक साथ बहुत ज्यादा परमानेंटली डाउन हो गए तो आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम भी हो सकती है राइट सो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो ऐसी है जो कभी चेंज नहीं होती अनलेस एंड अनटिल कोई बिग इवेंट ना बन जाए उस वर्किंग कैपिटल को हम बिजनेस में परमानेंट वर्किंग कैपिटल कहते हैं इसको कांस्टेंट वर्किंग कैपिटल भी कहाँ जा सकता है फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल ऐसी वर्किंग कैपिटल है कि जो आपको फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल के ओवर एंड अबो एक्स्ट्रा चाहिए राइट सो इट इज रिक्वायर्ड वर्किंग कैपिटल बट इट इज रिक्वायर्ड इन एडिशन टू द फिक्स वर्किंग कैपिटल एंड फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल टेम्पररी फाइनेंस होता है टू टैकल द फ्लक्चुएटिंग रिक्वायरमेंट मैं आपको एक एक्सप्लेनेशन देता हूं बच्चों मान लो कंपनी को एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है और वो कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए कंपनी को रॉ मटेरियल ज्यादा खरीदने की जरूरत पड़ी है ज्यादा वर्कर्स को टेम्पररी एम्प्लॉय करना है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे वर्कर को लेके आना है राइट तो ऐसे में कंपनी को जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो टेम्पररी जब तक के कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हो जाता तब तक ही वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है तब तक ही वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है तो ऐसी टेम्पररी वर्किंग कैपिटल कभी सीजनल बेस पे बढ़ भी जाती है या कभी सीजनल बेस पे कम भी हो जाती है सो so इसीलिए इसका नाम है फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल ये कभी भी एक जितनी बिजनेस में रहेगी नहीं चलिए इसी को समझने के लिए मैं आपको एक डायग्राम भी दिखाना चाहता हूँ ये देखिए डायग्राम है जो आपको परमानेंट एंड फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल को समझाने की यू you नो know, कोशिश करेगा अब देखिए ये जो ग्राफ है ना वो परमानेंट वर्किंग कैपिटल एंड टेम्पररी वर्किंग कैपिटल का शॉर्ट टर्म का ग्राफ है दिस इज अ ग्राफ फॉर द शॉर्ट टर्म अब देखिए शॉर्ट टर्म में किसी भी बिजनेस के अंदर कोई बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आते आप चेक करो परमानेंट वर्किंग कैपिटल एक स्ट्रेट लाइन में है ये हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगी जबकि फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल का कभी ज्यादा तो कभी कम कभी ज्यादा तो कभी कम रिक्वायरमेंट रहता है तो एक साइकलिकल तरीके से वेराई होती रहती है ये जो है वो एक साइकल एकल तरीके से वेराई हो सकती है होती रहती है कभी ज्यादा तो कभी कम राइट सो परमानेंट वर्किंग कैपिटल कांस्टेंट है इस चीज को नोट करो दूसरा ये नोट करो बच्चों कि आपकी जो टेम्पररी वर्किंग कैपिटल है ना वो कभी भी परमानेंट वर्किंग कैपिटल से नीचे नहीं हो सकती ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपकी परमानेंट वर्किंग कैपिटल तो ऐसी वर्किंग कैपिटल है कि उतना पैसा तो आपको बिजनेस में रखना ही पड़ेगा उतना पैसा तो आपको बिजनेस में रखना ही पड़ेगा तो आपकी कोई भी वर्किंग कैपिटल जो है वो कभी भी परमानेंट वर्किंग कैपिटल को ऐसे क्रॉस करके नीचे की साइड पे जा नहीं सकती है तो ये था आपका शॉर्ट टर्म का परमानेंट एंड टेम्पररी वर्किंग कैपिटल का डायग्राम बाजू में देखिए सो ये जो बताया है वो लॉन्ग टर्म का डायग्राम है सिर्फ किसी भी बिजनेस के लॉन्ग टर्म की बात करो मीन यू नो इन अ टाइम पीरियड मोर देन फाइव ईयर्स टेन ईयर्स फिफ्टीन ईयर तो ऐसे में कोई भी बिजनेस ग्रो करता रहता है और बिजनेस अगर ग्रो ना भी करे तो इन्फ्लेशन की वजह से भी हर साल वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट थोड़ी बहुत ज़्यादा ही होती है तो लॉन्ग टर्म में क्या होगा आपकी परमानेंट वर्किंग कैपिटल भी धीरे धीरे बढ़ेगी आप देखेंगे तो शॉर्ट टर्म में परमानेंट वर्किंग कैपिटल एक कांस्टेंट फिगर है लेकिन लॉन्ग टर्म में परमानेंट वर्किंग कैपिटल भी कांस्टेंट नहीं रहती है प्लीज़ ध्यान रखना लॉन्ग टर्म में परमानेंट वर्किंग कैपिटल भी धीरे 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 बढ़ेगी राइट लॉन्ग टर्म में परमानेंट वर्किंग कैपिटल भी धीरे धीरे बढ़ेगी और उसके साथ में जो टेम्पररी वर्किंग कैपिटल है उसके साथ में जो टेम्पररी वर्किंग कैपिटल है वो बच्चों कभी कम तो कभी ज्यादा कभी ज्यादा तो कभी कम इस हिसाब पे हिसाब से सीजनल बेस पे वराई करती रहेगी सो आई एम श्योर यू आर गेटिंग द एग्जैक्ट आइडिया इन शॉर्ट टर्म एंड इन लॉन्ग टर्म अबाउट द परमानेंट एंड टेम्पररी वर्किंग कैपिटल सौ बात की एक बात टेम्पररी वर्किंग कैपिटल का ग्राफ वेवी ग्राफ होता है हाई लो हाई लो पोजिशन बनाता रहता है लेकिन परमानेंट वर्किंग कैपिटल का ग्राफ शॉर्ट टर्म में एक स्ट्रेट लाइन होता है बिकॉज वर्किंग कैपिटल कांस्टेंट होती है एंड लॉन्ग रन में ये ग्राफ ऊपर की तरफ बढ़ता है क्योंकि लॉन्ग रन में एक्सपांशन की वजह से इन्फ्लेशन की वजह से आपका जो परमानेंट वर्किंग कैपिटल है वो भी बढ़ता रहता है बच्चों सो आई एम श्योर आपको समझ में आया ये बिहेवियर वर्किंग कैपिटल का इसके बाद जो हमें इंपॉर्टेंट चीज समझनी है बच्चो, है बच्चों वो ऑफ वर्किंग कैपिटल सबसे जो पहला डिटरमिनेंट है बच्चों वो है कैश कैश बहुत ही सिंपल डिटर्मिनेंट है आपको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट डिसाइड करने से पहले ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपके पास डे टू डे एक्टिविटी के लिए डे टू डे एक्टिविटी के लिए कैश आपके हाथ में रहना चाहिए क्योंकि बिजनेस में डे टू डे एक्टिविटीज़ को अगर आपको पूरा करना हो तो उसके लिए आपको रिसीट एंड पेमेंट का काम करना पड़ता है डे टू डे एक्सपेंसिस को मीट करना पड़ता है तो देखना है कि जितना आपका डे टू डे एक्सपेंडिचर है उसके हिसाब से कैश बैलेंस आपको रखना चाहिए इन्वेंटरी की अगर बात करूं तो इन्वेंटरी में आपको यह ध्यान रखना है कि इसमें ओवर स्टॉक भी ना हो जाए ओवर स्टॉक हो जाने की वजह से आपको वर्किंग कैपिटल के इंटरेस्ट का कॉस्ट लगेगा यू नो पेरिशेबल गुड्स के ऑप्सोलेशन का कॉस्ट लगेगा तो ओवर स्टॉक आपको नहीं करना है लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि अंडर स्टॉक भी नहीं करना है अंडर स्टॉक करने से आप सेल्स को खो दोगे राइट right? आपको ओवर स्टॉक नहीं करना है और अंडर स्टॉक भी नहीं करना है अगर अंडर स्टॉक करोगे तो जो सेल्स आप कर सकते थे मान लो कस्टमर आपके पास आया लेकिन आप उसको सेल्स के लिए गुड्स नहीं दे सकते तो अंडर स्टॉक भी नहीं होना चाहिए साथ साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि गुड्स का जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है गुड्स को जो मंगवाते हो उसका जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है या गुड्स का जो कैरिंग कॉस्ट है ये दोनों प्रकार की कॉस्ट भी हो सके उतनी कम से कम होनी चाहिए तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रख के इन्वेंटरी का लेवल डिसाइड करना है इसको डिसाइड करने के लिए आप जस्ट इन टाइम अप्रोच है या तो फिर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वान्टिटी वाला अप्रोच है ये दोनों अप्रोच का इस्तेमाल कर सकते हैं अब बात करता हूँ मैं रिसिवेबल्स की रिसिवेबल्स का मतलब होता है बच्चों आपके डेटर किसी भी बिजनेस में अगर आप क्रेडिट सेल करते हो तो सेल करना आसान हो जाता है बट पता है उसके बाद प्रॉब्लम क्या होती है उसके बाद प्रॉब्लम होती है उन्हीं रिसीवेबल्स के पास या उन्हीं डेटर्स के पास पैसों को वापिस निकलवाना राइट तो आप जब भी रिसीवेबल्स के बारे में बात करो तो आपको एक क्रेडिट पॉलिसी डिजाइन करनी पड़ेगी एक ऐसी अप्रोप्रिएट क्रेडिट पॉलिसी डिज़ाइन करनी पड़ेगी जो आपके सेल्स को इंक्रीस करे आपके सेल्स को इंक्रीस करे लेकिन क्रेडिट देने की वजह से जो पैसा फंसा रहता है जो पैसा स्टक हो जाता है उससे जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बिजनेस को बैर करनी पड़ती है वो ऑपरचुनिटी कॉस्ट को मिनिमाइज़ करे आपको दो चीज साथ में करनी है एक ऐसी पॉलिसी डिजाइन करनी है एक ऐसी क्रेडिट पॉलिसी बनानी है जो बिजनेस के सेल्स को इंक्रीज करे बिकॉज अल्टीमेटली सेल्स इंक्रीज होगा तो भी बिजनेस की इनकम बढ़ेगी लेकिन साथ साथ में होने वाली जो ऑपरचुनिटी कॉस्ट है उस ऑपरचुनिटी कॉस्ट को मिनिमाइज भी करे ये भी आपको ध्यान रखना है टी कॉस्ट को मिनिमाइज भी करे ये भी आपको ध्यान में रखना है इसके लिए आप हो सकता है कि डेटर को कोई डिस्काउंट की पॉलिसी दे सकते हो राइट ये डिस्काउंट वाली पॉलिसी अगर आपको बनानी है तो यह भी आप वर्किंग कैपिटल के अंदर बना सकते हो जिससे आपका पैसा डिस्काउंट की वजह से जल्दी वापिस आ जाए और इससे आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाए उसके बाद है शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग ऑप्शन देखिए जनरली तो है ना स्पॉन्टेनियस जो क्रेडिट uh, होता है या मैं क्यों ऑटोमेटिक जो ट्रेड क्रेडिट होती है मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूं जनरली तो जो ऑटोमेटिक ट्रेड क्रेडिट होती है उसकी वजह से जनरली जो ऑटोमेटिक ट्रेड क्रेडिट होती है उसकी वजह से बिजनेस का काम चल जाता है राइट right? उसकी वजह से बिजनेस का काम चल जाता है ऑटोमेटिक ट्रेड क्रेडिट में क्या हुआ आपके क्रेडिटर आपके क्रेडिटर ने एक तरीके से आपको क्रेडिट ही दी है एक तरीके से आपको यू नो लोन ही दिया है राइट right? फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिस मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपके जो क्रेडिटर्स है उन्होंने आपको शॉर्ट टर्म फाइनेंस ही किया है फिर आपके जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एक्सपेंसिस है जैसे कि आपके एम्प्लॉय की आउटस्टैंडिंग सैलरी है आउटस्टैंडिंग रेंट है कमीशन है ऑल दी अदर एक्सपेंडिचर है एक तरीके से उन्होंने भी आपको वर्किंग कैपिटल के लिए फाइनेंस किया है तो ऑटोमेटिक ट्रेड क्रेडिट और ऑटोमेटिक सोर्स से आपका जितना वर्किंग कैपिटल आता है वो ठीक है लेकिन कई कई बार ज्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत हो तो आपको शॉर्ट टर्म फाइनेंस यानी कि बैंक ओवरड्राफ्ट या शॉर्ट टर्म लोन राइट या तो शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स ये सब लेके भी आपको वर्किंग कैपिटल को लाना पड़ेगा सो शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग ऑप्शंस क्या-क्या है बिजनेस के बारे में वो भी बिजनेस को देखना चाहिए जब वो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को डिसाइड करती एक आता है नेचर ऑफ द बिजनेस देखिए दो तरह के बिजनेस होते हैं एक ऐसे बिजनेस होते हैं जिसमें वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा हाई रहती है एंड कुछ बिजनेस ऐसे टाइप के होते हैं कि जिसमें वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट काफ़ी लो होती है मैं आपको एक एग्जांपल दूं जैसे मान लो ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस ट्रांसपोर्टेशन का जो बिजनेस है राइट right? वो बिजनेस में वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट लो रहती है क्योंकि जो पेमेंट होता है वो जनरली आपको एडवांस में करना पड़ता है जैसे अगर आप रेलवे में जाओगे तो रेलवे में फिक्स्ड कैपिटल बहुत ज़्यादा चाहिए लेकिन वर्किंग कैपिटल कम चाहिए क्योंकि आपको एडवांस में पहले टिकट के पैसे देने पड़ते हैं उसके बाद आप ट्रेन में ट्रैवल कर सकते हो दूसरा बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल हो सकता है होटल इंडस्ट्री का होटल इंडस्ट्री में भी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है क्योंकि इसमें भी ज़्यादातर जो सेल होता है वो कैश बेस पे सेल होता है एंड कैश बेस पे सेल होने की वजह से वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होती है लेकिन इसकी जगह पे अगर आप कंस्ट्रक्शन बिजनेस की बात करो राइट कंस्ट्रक्शन बिजनेस की बात करो सो इन कंस्ट्रक्शन बिजनेस द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इज क्वाइट हाई क्योंकि जब तक आप पूरा कंस्ट्रक्शन नहीं करते जब तक आप पूरा बिल्डिंग बना नहीं लेते जब तक आप उसको बेचते नहीं हैं तब तक शायद आपकी वर्किंग कैपिटल आपको वापस नहीं मिलेगी सो नेचर ऑफ द बिजनेस भी एक बहुत बड़ा डिटर्मिनेंट हो सकता है वर्किंग कैपिटल का बच्चों नेक्स्ट जो है वो है मार्केट डिमांड एंड मार्केट एंड डिमांड कंडीशन देखिए ये भी मैं समझाता हूँ अगर आपने जो प्रोडक्शन किया है उससे आपकी मार्केट में डिमांड बहुत ही कम है तो आपने ओवर प्रोडक्शन कर दिया है अब जब एक बार ओवर प्रोडक्शन हो चुका है राइट right? मान लो एक बार जब ओवर प्रोडक्शन आप कर चुके हो तो उसके बाद बिजनेस में वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत ही कम हो जाएगी राइट right? अगर मैं सीजनल बिजनेस की बात करूं तो सीजनल बिजनेस के अंदर आपको जो गुड्स बेचना है वो पर्टिकुलर सीजन में ही बेचना है आपको जो गुड्स बेचना है वो पर्टिकुलर सीजन में ही बेचना है तो दो तरह की पॉलिसी आप ले सकते हो या तो आप गुड्स को उसी सीजन में प्रोड्यूस करो या तो आप गुड्स को थ्रू आउट द प्रोड्यूस करो इन अ स्मॉलर क्वांटिटी एंड उसका सेलिंग फिर आप सीजन में करो तो आपकी पॉलिसी अगर थ्रू आउट द ईयर गुड्स को मैन्युफैक्चर करने की है तो उसके हिसाब से आपको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी लेकिन अगर आपकी पॉलिसी सीजन में ही एक साथ ग्रुप गुड्स प्रोड्यूस करके उसको बेचने की है तो उस टाइम पे आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बच्चों ज्यादा पड़ सकती है एक है टेक्नोलॉजी एंड मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी राइट ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है राइट right? इसके अंदर भी हम ये दे सकते हैं कि आप कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हो राइट कौन सी टेक्नोलॉजी का आप इस्तेमाल करते हो ये भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है समझने के लिए राइट? क्यों जरूरी है क्योंकि कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जो मशीन बेस्ड होते हैं एंड कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जो लेबर बेस्ड होते हैं अब मैं आपको सिंपली पूछूं बोलो इन दोनों दोनों बिजनेस में से किस बिजनेस में वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी मशीन बेस्ड बिजनेस के अंदर हो सकता है कि एक बार आपने फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कर दिया मशीन के अंदर फिर वो मशीन कम वर्किंग कैपिटल में भी प्रोडक्शन कर पाएगी लेकिन जो लेबर इंटेंसिव बिजनेस में, तो में कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज करते हो उसके ऊपर से भी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट की जरूरत पता चलती है फिर ऑपरेटिंग एफिशियंसी देखिए आप अगर लॉस मैनेजमेंट कर सकते हो बिजनेस में जो लॉस होता है राइट प्रोडक्ट प्रोडक्शन में उसका लॉस मैनेजमेंट कर सकते हो अगर आप वेस्ट को एलिमिनेट कर सकते हो वेस्ट को अगर आप रिड्यूस कर सकते हो अगर आप अगर आप यू नो प्रोडक्शन एक्टिविटी का कोऑर्डिनेशन जो है प्रोडक्शन एक्टिविटी का कोऑर्डिनेशन जो है उसे आप इंप्रूव कर सकते हो तो ये सब कंट्रोल के मेजर लेके भी आप अपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को कम कर सकते हो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट उसके बाद का जो पॉइंट है वो प्राइस लेवल चेंजेस प्राइस लेवल चेंजेस का मतलब क्या बच्चों देखिए एक तो जब आपकी एक्टिविटी हाई हो जाती है एक्टिविटी बढ़ती है राइट इंक्रीज इन एक्टिविटी जब होता है तब आपको ज्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ती है लेकिन कई बार एक्टिविटी में इंक्रीज नहीं होता लेकिन इन्फ्लेशन की वजह से चीजों की प्राइस ही इंक्रीज हो जाती है तो सेम लेवल ऑफ एक्टिविटी को मेंटेन करने के लिए सेम लेवल ऑफ प्रोडक्शन को मेंटेन करने के लिए अब जो आप रॉ मटेरियल परचेस कर रहे हो वो पहले से ज्यादा कॉस्टली आ रहा है तो पहले से ज्यादा कॉस्टली रॉ मटेरियल को परचेज करने के लिए भी तो आपको ज्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी सो जनरली ये प्राइस लेवल चेंजेस जो है उसका एक बहुत बड़ा रीजन इन्फ्लेशन भी हो सकता है एक दूसरा सबसे बड़ा रीजन हो सकता है प्राइस लेवल चेंज का वो है एक्सचेंज रेट कौन सा रेट बच्चों एक्सचेंज रेट सपोज आप इंटरनेशनल मार्केट में काम कर रहे हैं तो आपको जो पेमेंट करना है आपको जो रॉ मटेरियल परचेज करना है आपको जो सेल्स करके रिसीवेबल का पैसा लाना है हो सकता है ये सब चीजें एक्सचेंज रेट के ऊपर यू नो डिपेंड करती हो एंड एक्सचेंज रेट अगर अचानक कम हो जाए या ज्यादा हो जाए उसकी वजह से भी आपकी प्राइजिंग में फर्क आ जाएगा जैसे मान लो अगर आप वन डॉलर इज इक्वल टू सेवेंटी रुपीज के अंदर राइट right? मटेरियल खरीदने वाले थे आपने ऑर्डर दे दिया था लेकिन जिस दिन पेमेंट करना पड़ा उस दिन मान लो वन डॉलर इज इक्वल टू एट्टी रुपीज हो गया तो अब आपको यहां पे ज्यादा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जरूरत पड़ेगी ज्यादा कैश की जरूरत पड़ेगी जब आपको पेमेंट करना होगा सो प्राइस लेवल चेंजेस की वजह से भी आपकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम या तो ज्यादा हो सकती है बच्चों तो देखिए आप एक तरीका समझिए किसी भी थियरी टॉपिक को डिस्कस करने का मुझे ये सर्कुलर मोशन ग्राफ बहुत ही ज्यादा पसंद आता है मैं क्या करता हूं जब एग्जाम के आगे किसी भी थियरी टॉपिक का या थियरी सब्जेक्ट का रिवीजन करता हूं तब मैं ऐसे सर्कुलर मोशन में मेन पॉइंट्स लिख देता हूं और फिर बाहर के सर्कल के अंदर मैं अपने हिसाब से मेन पॉइंट्स को मैं जितना स्ट्रेच कर सकता हूँ या एग्जाम में मेन पॉइंट को स्ट्रेच करने के लिए मुझे जो जो चीज़ें लिखनी पड़ेगी वो चीज़ें मैं बाहर ऐसे एरोज या तो डैशेस बना के लिखता हूँ इससे बहुत ही ज़्यादा क्लियर आइडिया आ जाता है मुझे किसी भी थियरी का तो ये थे बच्चों डिटर्मिनंट ऑफ वर्किंग कैपिटल डिटर्मिनट ऑफ वर्किंग कैपिटल के बाद अब हमें कुछ अप्रोचिज ऑफ वर्किंग कैपिटल देखने हैं ये है अप्रोच ऑफ वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट देखिए जनरली तीन तरह के अप्रोच वर्किंग कैपिटल के लिए बुक में डिफाइन किए गए हैं एक है एग्रेसिव वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी अनदर वन इज कंजर्वेटिव वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी एंड द लास्ट वन इज मॉडरेट यू नो पॉलिसी अब ये तीनों तीन पॉलिसी के अपने अपने प्रोजेन्ड कॉन्स है पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि थियरी में एग्रेसिव का मतलब क्या होता है एग्रेसिव पॉलिसी के अंदर जो होता है वो लोअर लेवल ऑफ करंट एसेट होता है राइट लोअर लेवल ऑफ करंट एसेट होता है यानी कि आप करंट एसेट में ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करते हो एग्रेसिव पॉलिसी में कम से कम इन्वेस्टमेंट करते हो राइट इसमें आपका लोअर फाइनेंशियल कॉस्ट लगता है जैसे आप डेटर जो है उसे कहते हो कि क्रेडिट नहीं मिलेगा या क्रेडिट मिलेगा तो बहुत ही कम क्रेडिट मिलेगा आपको तुरंत पैसा लौटाना पड़ेगा राइट आप जो यू नो एक्सपेंडिचर करने होते हैं वो एक्सपेंडिचर भी आप यू you नो know, जो इनकम आपको रिसीव करनी होती है उसको भी आप आउटस्टैंडिंग नहीं रखते तुरंत ही वो लेके आ जाते हो स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कम से कम करते हो आपकी शॉप में या आपके प्रोडक्शन फैसिलिटी में हो सके उतनी कम इन्वेंटरी रहे इसका आप ध्यान रखते हो इससे होता क्या है कि आपकी करंट एसेट बहुत ही लो रहती है मतलब कि करंट एसेट में होने वाला जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ही लो हो जाता है और उसकी वजह से पैसा स्टक नहीं होता बिजनेस में आपका पैसा किसी और की मदद करने के लिए फंसा नहीं रहता तो आपकी एक लोअर फाइनेंशियल कॉस्ट हो जाती है लेकिन इसका एक नुकसान भी है इसके कॉन्स क्या है देखिए ये उसका प्रोज था प्रोज में से एक था तो अब ये कॉन्स में से जो एक देखेंगे वो ये है कि अगर आप करंट एसेट में कम इन्वेस्टमेंट करोगे तो एक स्टॉक आउट होने का स्टॉक आउट होने का पॉसिबिलिटी है या तो आपके डेटर जो है वो आपको नॉन पेमेंट कर दे पेमेंट टाइम पे ना करे उसका भी एक पॉसिबिलिटी है हो सकता है आप पहले सेल कर दो फिर आप पैसे मांगने के लिए जाओ तो यू you नो know, आपका एक तरीके से बैड डेट हो जाए या नॉन पेमेंट को ऐसे भी ले सकते हैं कि बहुत कम करंट एसेट होने की वजह से बहुत कम कैश होने की वजह से आप अपने क्रेडिटर को टाइम पे पेमेंट ना कर पाओ ऐसा भी तो बच्चों हो सकता है एग्रेसिव पॉलिसी की वजह से आगे देखते कंजर्वेटिव पॉलिसी कंजर्वेटिव पॉलिसी में आप यह सोचते हो कि बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का राइट आई एम श्योर आपको याद आ रहा होगा बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का हाई लेवल ऑफ करंट एसेट आप रखते हो स्टॉक भी अच्छा खासा अपनी शॉप में रखते हो आप अपने डेटर को सेल्स बढ़ाने के लिए कहते हो कि आराम से गुड्स लेके जाओ जब मर्जी हो तब आप पैसा देना यानी कि आपके डेटर्स आपकी इन्वेंटरी आपका कैश बैलेंस ये सब बिजनेस में कई बार जरूरत से ज्यादा आप रखते हो इसका नुकसान यह है कि आपको बहुत ज्यादा हाई फाइनेंशियल कॉस्ट लग सकती है लेकिन इसका फायदा यह है इसका फायदा है राइट कि आपका सेल्स इंक्रीज हो जाएगा आपका सेल्स इसमें इंक्रीज हो सकता है तो नुकसान भी है उसका फायदा भी है कुछ और अगर नुकसान देखें तो इन्वेंटरी ऑप्शोलेशन हो सकता है आप एक साथ अगर बहुत सारा गुड्स रखोगे तो गुड्स बिकने की कोई गारंटी नहीं होती है जैसे रेडीमेड गारमेंट बिजनेस की बात करूं अगर वो बहुत सारा रेडीमेड गारमेंट का स्टॉक जरूरत से ज्यादा अपने बिजनेस में रखते हैं तो उसकी वजह से प्रॉब्लम आ सकती है इन्वेंटरी ऑक्सोलेशन की फैशन हो मतलब चली गई या सीजन चली गई तो तब ये गुड्स बेचना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा राइट फिर बैड डेट हो सकती है आप सेल्स को इंक्रीज करने के लिए हो सके उतना ज्यादा से ज़्यादा क्रेडिट तो देते ही जा रहे हो यानी आपके कस्टमर जो है वो भी नो आराम से आपका गुड्स खरीद लेते हैं लेकिन बाद में पैसा ना दे तो क्या जितने ज्यादा लीनियंट रहेंगे हम क्रेडिट पॉलिसी में लिसन टू मी केयरफुली जितने ज्यादा लीनियंट रहेंगे हम क्रेडिट की पॉलिसी में उतना ही ज्यादा बैड डेट का खतरा बढ़ता है राइट एक है लिक्विडिटी क्राइसिस जब आप बहुत सारा करंट एसेट रखोगे कहीं से पैसा निकलवाने की कोशिश ही नहीं करोगे और अचानक जब आप अपने क्रेडिटर को पेमेंट करने की बारी आए या अचानक आप कोई एक्सपेंडिचर करना चाहो अचानक आप आपको आपको एक्सपांशन करने के लिए अगर पैसों की जरूरत पड़ी तो आपके बिजनेस की लिक्विडिटी अच्छी नहीं होने की वजह से हो सकता है कि हाथ में आया हुआ मौका निकल जाए राइट एक है मॉडरेट पॉलिसी मॉडरेट पॉलिसी जो है वो बिटवीन टू अप्रोच के अंदर है बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव भी आपको नहीं बनना है मतलब करंट एसेट में बिल्कुल इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा, ऐसा भी आपको नहीं रखना है एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा करंट एसेट में इन्वेस्टमेंट भी नहीं रखना है मॉडरेट पॉलिसी में आप एक बैलेंस गेन करते हो बैलेंस बनाते हो गेन एंड लॉसेस ऑफ अबो टू पॉलिसीज के यानी दोनों के प्रोज एंड कॉन्स को ध्यान में रख के ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले सको डिपेंडिंग नेचुरली ऑन द नेचर ऑफ योर बिजनेस आप कोशिश करते हो कि आप दो पॉलिसी के बीच में बैलेंस बना सको मॉडरेट पॉलिसी में आपका रिस्क भी मॉडरेट हो जाता है लेकिन आपकी लिक्विडिटी भी कुछ काफ़ी हाई नहीं रहती लेकिन मॉडरेट लिक्विडिटी आप अटेन कर सकते हो बच्चों ये मेरे हिसाब से मोस्ट इम्पॉर्टेंट होना चाहिए क्योंकि हर एक बिजनेस सिर्फ और सिर्फ आज की तारीख में मॉडरेट वर्किंग कैपिटल पॉलिसी को ही फॉलो करता है चलिए इसी वर्किंग कैपिटल पॉलिसी को एक डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं देखिए ये डायग्राम आईसीए स्टडी मटेरियल में जो बनाया था वैसा ही मैंने बनाया है जिससे आप एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन कर पाइए देखिए क्या क्या है यहाँ पे कोई भी बिजनेस है उसमें फिक्स एसेट का लेवल मान लो यहां तक है अब फिक्स एसेट में दूसरी क्या चीज आती है इफ यू सी द बैलेंस शीट आपकी बैलेंस शीट के अंदर दो साइड होती है एक है लायबिलिटी साइड बैलेंस शीट के अंदर दो साइड होती है एक है लायबिलिटी साइड एंड दूसरी होती है एसेट साइड आई एम श्योर ये आपको मालूम है अब एसेट साइड पे दो चीजें होती है बच्चों एक होता है फिक्स एसेट एंड दूसरा जो होता है वो होता है वर्किंग कैपिटल इसी वर्किंग कैपिटल को हम क्या कहेंगे करंट एसेट माइनस करंट लायाबिलिटी तो आप फिक्स एसेट का जो लेवल है वो अगर एक यहां तक मेंटेन रखते हैं वो फिक्स रहेगा तो हमेशा फिक्स रहेगा वर्किंग कैपिटल यानी ये जो ग्राफ बताया गया है ये जीरो से शुरू होगा क्योंकि आपने वर्किंग कैपिटल नहीं रखी वहां से कितनी रखी ऐसे ऊपर की साइड पे जाना पड़ेगा

लेकिन आउट आपके आउटस्टैंडिंग इनकम है कम है लेकिन एवरेज पॉलिसी के अंदर आपके डेटर थोड़े ज्यादा है आपका कैश बैलेंस भी आप थोड़ा ज्यादा रखते हो चाहे वो कैश की जरूरत ना हो फिर भी आप वो कैश बैलेंस बिजनेस में सेफ्टी के लिए रखते हो लेकिन कंजर्वेटिव पॉलिसी में तो आपने हद ही कर दी आपकी फिक्स एसेट का लेवल है ना उससे भी ज्यादा आप देखो तो आपके आपके करंट एसेट या तो वर्किंग कैपिटल का लेवल है यानी बिजनेस में फिक्स एसेट जितनी नहीं लगी उससे ज्यादा तो बिजनेस चलाने के लिए आपको वर्किंग कैपिटल चाहिए इसमें डेटर को आपने खुले आम छूट देके रखी है कि आप गुड्स लेके जाओ पैसा जब मर्जी हो चुकाना राइट आपकी इनकम इतनी सारी है जो आउटस्टैंडिंग है आप किसी को सर्विस प्रोवाइड करते हो पैसा निकलवाते ही नहीं हो तो ये आपकी जो पॉलिसी है वो कंजर्वेटिव पॉलिसी हो गई देखो कंजर्वेटिव इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि आप इसमें डरते हो आप डरते हो कि अगर आपने कंजर्वेटिव पॉलिसी को फॉलो नहीं किया तो आपका गुड्स बिकना बंद हो जाएगा लोग आपके पास से गुड्स खरीदना बंद कर देंगे आपका सेल कम हो जाएगा ऐसा थोड़ा सा डर होता है तब जाके ही आप कंजर्वेटिव पॉलिसी में जाते हो तो मेरे बच्चों आई एम श्योर एक सीधा सिंपल सा डायग्राम था और उससे आपको समझ में आया होगा कि दो जो तीन जो अप्रोच मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की है एग्रेसिव कंजर्वेटिव एंड मॉडरेट वो एक्चुअल आपको क्या समझाना चाहते हैं और मैं आपको वापस बता दूं आज की तारीख में ज्यादातर इंडस्ट्रीज जो है वो सिर्फ और सिर्फ मॉडरेट पॉलिसी को ही फॉलो करती है बच्चों